कैसा लग रहा है आंदोलन, कैसा लग रहा है आप यहाँ, मतलब कुछ एक दो हफ्ते से आप यहाँ पे हैं, माहौल कैसा लग रहा है? ये कुछ अलग ही है, मतलब ये ऐसा है जो मैंने कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया है, आई थिंक आप सब ने, किसी ने नहीं किया, हमने कुछ और ही चीज़ है ये, मतलब ये एक शानदार लेवल का, जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इतने हज़ार लोग बैठे हुए हैं एंड हाउ एवरीडे लाइफ इज़ गोइंग ऑन, इट जस्ट ब्रिलियंट। मतलब मैं आज ही सुबह किसी से बात कर रही थी कि यहाँ पे एक स्टडी होनी चाहिए, मतलब जो अभी कोरोना के उसमें लोग बैठे हुए हैं घर पे, स्टूडेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट किसान स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, बट MBAs एंड यू नो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो सीख सकते हैं। डॉक्टर्स, मतलब किस तरह से इस बड़े स्केल पे खाना पीना, पानी, दूध, चाय, सब्जियाँ, फल, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रोड के ऊपर बैठ के, इट जस्ट इनक्रेडिबल। इतना कुछ है सीखने को, एंड देन हाउ दे आर मेंटेनिंग द ऑर्डर, हाउ एक तरीके से स्टेज पे जाना, अपनी बात कहना, आना, अपने जीवन को कंटिन्यू रखना, जिस तरह से हो रहा है, देन देर आर हॉस्पिटल, देर आर डॉक्टर्स, देर आर लंगर्स, देर लाइक क्या नहीं है यहाँ पे, मतलब पूरा जीवन है एक रोड के, हाईवे के बीच में। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, मतलब वो तो है ही एक आंदोलन, और जन देन किसान, व्हाट दे आर सिटिंग फॉर, वो तो एक अलग, उसको पास से भी रख दो ना, तो भी जस्ट लाइक कमिंग हियर टू लर्न व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स एब्सोल्युटली, एंड द वॉर्म्थ, एंड जो एक तरह की रोड पे बैठ के, यू गो टू एनी टेंट, ओके, यू कम हियर, यू विल बी सर्व्ड विद चाय एंड पानी, बिस्किट खाओ, जस्ट सो ब्यूटिफुल द वॉर्म्थ। तुम किसी के पास भी जाके बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बैठ सकते हो, गल कर सकते हो, मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी वी शुड हैव। वी शुड लर्न फ्रॉम दिस आंदोलन, नॉट जस्ट द फार्मर्स, नॉट जस्ट द लॉज, बट ऑल्सो हाउ अ सोसाइटी शुड ऑपरेट, हाउ नोबडी विल बी टर्न्ड अवे फ्रॉम द डोर्स। ये दरवाजे खुले हुए हैं, एनी बडी कैन कम एंड ईट एंड हैव अ कप ऑफ चाय, हैव अ कप ऑफ वाटर, दे कैन स्लीप, दे कैन गेट वट एवर, इफ दे वॉन्ट सम क्लोथ, इफ दे वॉन्ट फूड, सो एक्सेप्टिंग, सो वॉर्म, इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, बिग मेट्रोपॉलिटन शुड लर्न हाउ कुछ खराब हो गया है, कुछ बिगड़ गया है, वी प्लांटेड सम ट्रीज, अभी हमने पेड़ पौधे लगाए यहाँ पे, वी डिडंट नीड टू लुक फॉर एनी हेल्प, देवर पीपल इज लाइक, हम खड्डा खोद रहे हैं, हम ये पानी लेके आ रहे हैं, एवरीबडी इज जस्ट रेडी टू हेल्प यू। किसके पेड़ कौन लगा रहा है, किसके लिए लगा रहा है, नोबडी केयर्स, बट ये कुछ अच्छा काम है, लेट्स डू इट। इसके अलावा जैसे हम देखें कि 7 महीना हो गए हैं, अभी 26 तारीख होगी कल या परसों, शायद 8 महीना हो जाएगा, 7 महीना हो जाएगा पूरा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं खींच रहा है, जिसमें सरकार जो है ऐसे बैठी है कि ठीक है भाई, बैठे हैं अपना खर्चा पानी करके या परेशान होकर के, साल बैठे रहेंगे, 2 साल बैठे रहेंगे, वो इस तरीके से सोच रहे होंगे शायद, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? स्पिरिट है कि बैठे हैं बाहर, लगता है, मतलब जब तुम यहाँ नहीं रह रहे होते हैं, जो बाहर लोग टीवी पे जो देख रहे हैं, उनको ये लग सकता है कि बहुत लंबा हो गया है, किसान थक जाएंगे, चले जाएंगे, ये अपने आप ही धीरे धीरे गायब हो जाएगा, लोग जब रिपोर्ट करना बंद कर देंगे, मीडिया चला जाएगा, लोगों को लगता है कि प्रॉबेबली ख़त्म हो जाएगा, बट वेन यू कम एंड लिव हियर, आपको लगता है कि कुछ भी कम नहीं हुआ है, और कोई भी किसी का भी पेशेंस ख़त्म नहीं हुआ है। हम किसान, ये मतलब मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे डैड अभी भी किसानी करते हैं, ऑल्दो ही वॉज अ प्रोफेसर, ही रिटायर्ड, और अब वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, और मेरे दादा किसान थे, मेरे चाचा किसान हैं, सो पेशेंस जो है, मतलब ये लोग बहुत ही पेशेंट हैं, तो मतलब एक नया जब जोश था शुरू में, तो प्रॉब्ली मीडिया आल्सो केम एंड देन सम अदर एलिमेंट आल्सो केम दैट वाज लाइक, अरे कुछ बहुत कूल हो रहा है। किसान को पता है कि बो दिया है, कल नहीं काटेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि बो दिए सरसों और चलो काटते हैं अब इसको कल, दे नो दैट दे हैव टू वेट, दे हैव टू बी पेशेंट। अब
लंबा खिंच रहा है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार खींच रही है तो खिंच रहा है, किसको शौक है यहाँ पे बैठे रहने का? नहीं 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 प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी मतलब मैं बता रही हूँ कि हम क्यों इतना लंबा हो रहा है। अब लंबा तो हो रहा है क्योंकि वो मानी नहीं जा रही हैं, जो जो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो मानी नहीं जा रही हैं, और ये बैठे हैं। मतलब यू कैन यहाँ पे आके, यू ट्रस्ट मी, किसी का मोरल डाउन नहीं हुआ है, कोई थका नहीं है, लोगों का जी लग गया है। वैसे भी ये माटी पानी में रहने ये लोग हैं, कुछ इनको ये दिक्कत नहीं, हाय हम रोड पे क्यों बैठे हैं, हाय गर्मी होगी, हाय मी आ गया, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये माटी के माटी होनी है, पानी में पानी होनी है, मतलब तो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड लोग हैं नहीं कि हाय अब इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे, लामनी करनी है, ये है इब के पास इन बोरा के बो के आ गए। तो ऐसा भी नहीं कि भी अब ये रोजी रोटी मजदूर दिहाड़ी मजदूर बेचारा दुखी हुआ है, सर्विस करें या दुखी हुआ है कि भी छुट्टी कैसे मिलेगी, तनख्वाह कैसे मिलेगी, तो बो का आगे फिर बारी बारी करके काटे होंगे बेच देंगे। तो दे कैन अफोर्ड टू सिट हियर एंड दे आर पेशेंट एंड दे आर सो, अभी मैं नाथ अंकल से बात कर रही थी, दे आर सो एंटरप्राइजिंग, सो सेल्फ सफिशिएंट। मतलब ऐसा शायद सरकार ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे लोगों के साथ भी पाला पड़ेगा जिनको, मतलब जो इतने सेल्फ सफिशिएंट है, मोटर खराब होगी तो खुद ही ठीक कर ली, घर भी आप बना लिए। अगर कहीं और होता, इंडिया को छोड़ करके कहीं भी, तो क्या लगता है सरकार कैसा रिस्पॉन्स करती? सरकारों का तो मैं कह नहीं सकती भाई, अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग उनकी नीतियाँ होंगी, बट मीडिया डेफिनेटली ऐसा नहीं करता जैसे अपने देश में कर रहा है। मतलब जिस तरह का धुआं यहाँ पे उठ रहा है, जिस तरह की मतलब एक एक्सट्रीम बायस जो है, एक एक्सट्रीम वन साइडेड जो उनका नैरेटिव जो चलाते हैं वो, एंड यू कैन टेल, मतलब आम इंसान बता सकता है कि दे आर प्रो द पावरफुल, प्रो द सेंटर, विच इज सो डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग, सबसे बुरा ये। यू आर राइट, मतलब वही बात है कि जब तक दूसरे के घर में आग लग रही हो ऐसा लगता है इस जैसे अपने घर तक आएगी नहीं। मतलब नॉट All of them were not ignorant, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सभी enjoy कर रहे थे। There are some people who are very very aware, जो CAA के protest में भी थे वहाँ पे, उनकी भी help कर रहे थे, तो उस तरह के भी लोग भी मिले हैं। But किसान है ना, they limited, they अपने खे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी पंजाब से बाहर नहीं निकले थे, अपनी district से बाहर नहीं निकले थे। सो ऑल्सो इसने अवेयरनेस बढ़ाई है, मतलब इस आंदोलन ने अवेयरनेस बढ़ाई है और अवेयर किया है लोगों को कि भाई दूसरे के घर आग जल रहे हो तो तुम ज़्यादा देर तक मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि वो आग तुम्हें पकड़ेगी और फिर वो आग नहीं डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये किसका घर है, फिर वो तो लगेगी। सो अगर कहीं, और ये फिर उनके लिए भी है जिनके घर में आग नहीं लग रही, कि तुम ये बुझा दो नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। तो ये हमने सीखा है यहाँ पे, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बदलते देखा इतनी जल्दी, इतनी क्विकली, कि भी सरकार पहले लगा सिर्फ मुसलमानों को से मतलब है, फिर लगा सिर्फ कश्मीरियों को वो है, यूँ नहीं पता था ना अपने ही घर में, फिर वो लोगों ने बहुत इंजॉय किया है उस चीज़ को। एग्जैक्टली, अब ना कुछ लोग इसको भी इंजॉय करने लग रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने घर में नहीं लगती फिर उनको लगता है कि बस इन्हीं के लगी रहेगी। सो आई गेस हमें इससे तो सीखना ही चाहिए, हमने सीखा है बहुत कुछ यहाँ पे, बहुत लोग टर्न हुए हैं, बहुत लोगों ने सीखा है कि भाई पहले अवेयर होना चाहिए था पहले चीज़ें। आंदोलन में, मतलब इस आंदोलन से आपको क्या लगता है आने वाली जो जनरेशन है, और आने वाली ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या कुछ, और जो मेरी एज के लोग हैं, उन लोगों में आपको क्या लग रहा है कितना बदलाव आने वाला? देख, मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना सबको 3-3 महीने का डिप्लोमा करके जाना चाहिए। आई होप इतना लंबा चले नहीं आंदोलन, घर जाए अपने अपने, पर अगर जो चल रहा है तो सबको, तुम्हारे जैसे बच्चों को तो डेफिनेटली दे शुड कम एंड लर्न हियर एंड देन इट विल चेंज अ लॉट। कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ से निकल के आएगा, नॉट जस्ट द फार्म लॉज। मेरे को एज ए पर्सनली आई कांट टैंजिबली, मैं किसी पॉइंट नहीं रख सकती किसी चीज़ पे कि ये बदलेगा, but I think a lot of positive will come out of this, a lot of positive, especially where it's taking place in Haryana, where people didn't know ki ek shaktishali insaan ek with power baith sakta hai. They thought andolan is burning the city down. When jab ye andolankari yahan pe aaye the, logo ne shutters band kar liye the apne dukano ke, thinking ke the jalawenge. But no, as in they said, we have not come to burn, we can sit down, we can wait, we can be patient. Unhone jo aas pas ke neighborhood ka trust build kiya, ab wo unhi dukandaron ne apne bathrooms khol diye apne usi